हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुखदेव सैनी और आप देख रहे हैं सुखदेव सैनी मिक्सिंग। सो दोस्तों, आज की वीडियो का थंबनेल, पैटर्न, सॉन्ग सभी कुछ देख लिया होगा और सुन लिया होगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम एक न्यू वो स्टैग लेकर आए हैं। सो दोस्तों, सॉन्ग है हम उनसे मोहब्बत करके, ठीक है दोस्तों। आज हम इसी सॉन्ग को एपल स्टूडियो मोबाइल से लाइव रीमिक्सिंग करने वाले हैं। सो दोस्तों, वीडियो में आगे बने रहिए मेरे साथ। और दोस्तों, इस सॉन्ग को बनाने में जो भी चीज यूज होंगी, जो भी ढोलकी सैंपल्स हैं, लूप हैं, ब्रेक हैं, जो भी चीजें हैं, सब एक एक चीज मैं स्टेप बाय स्टेप आपको लगाकर दिखाऊंगा और बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, इस सॉन्ग का नोबो स्टैग और इसमें यूज होने वाले सारे लूप और सैंपल्स, ठीक है दोस्तों, ये सभी को मैं एक जिप फाइल में डालकर आपको दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। और उस जिप फाइल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, जिस फाइल में पासवर्ड होगा, पासवर्ड के लिए वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी मिस ना करें दोस्तों, पासवर्ड मिस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, इसीलिए वीडियो को पूरा देखें, ठीक है दोस्तों। हाँ, तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट आप सभी से, दोस्तों वीडियो पसंद आए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ठीक है दोस्तों। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए फिर दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। Ah!
हाँ तो गाइज हम अपना दोस्तों फास्ट पैटर्न यहाँ पर यूज़ करेंगे, थोड़ा सा हार्ड ढोलके में फास्ट पैटर्न बनाएंगे दोस्तों। तो हम सबसे पहले अपने सैंपल्स ले लेंगे यहाँ के लिए।
हाँ तो गाइज अब यहाँ तक का हमारा सॉन्ग हो गया है। अब देखो हम इसे जरा सुनकर देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों, ये कैसे वो बना है। ठीक है सबको हम सुन लेते हैं जो जो लगाया है मैंने यहाँ तक। हाँ तो दोस्तों अब हम अपना स्लो ढोल की पैटर्न बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब देख लेंगे उसे कैसे कैसे बनाएंगे हम, क्या क्या चीज़ यूज़ करेंगे, ठीक है दोस्तों। हम अब अपना जो यहाँ से आगे के लिए जो पैटर्न बनाएंगे वो स्लो ढोल की पैटर्न चलेगा, ठीक है दोस्तों। उसको मैं अब स्लो ढोल की पैटर्न यहाँ पर बनाऊँगा, ठीक है आपके सामने, ठीक है दोस्तों। हम पहले अपनी किक ले लेते हैं, ये देखो। इसको अब एक एक स्टेप छोड़ कर रख देना, जो पहले 4 स्टेप पर लगाई थी अब ये इसे 2 स्टेप पर लगाना है, ठीक है दोस्तों। ये देख लो एक स्टेप छोड़ दिया है, ठीक है ऐसे ही बनाना है, ध्यान से देखें वीडियो को, ठीक है दोस्तों।
हाँ तो गाइज उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।